इंग्लैंड ए वोमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए वोमेन्स का T20 मुकाबला कवर करेंगे, लेकिन लास्ट मुकाबला जो हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पर देख सकते हो वन साइडेड तरीका से हम लोगों ने विन किया था। जो भी टीम दिया गया सारे भाइयों ने भी विन किया था, मैंने भी विन किया था, तो उम्मीद करते हैं यह मुकाबला भी बेहतर जाए। लेकिन इस मुकाबले को खेल रहे हो तो कुछ जो बातें हैं इस मुकाबले में बाकी मैच से हटके है, ये आप सोच लोगे कि इनका 11 प्लेयर खेलेगा, इनका भी 11 प्लेयर खेलेगा, तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्लेयर कोई भी कभी भी कहीं आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उसके बारे में ही तैयारी करेंगे और एक बेहतर टीम बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात है इंग्लैंड ए वोमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए वोमेन्स थर्ड T20 मुकाबले की। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कौन कौन सा प्लेयर आ सकता है, प्लेइंग 11 में नहीं भी दिखाया गया तो आ सकता है। यहाँ पर 22 प्लेयर ही नहीं खेलेंगे भैया, ऑल स्क्वाड का प्लेयर खेलेंगे, तो एक रिस्की टीम के टॉपिक पे बनेगा, वन साइडेड विन भी कर सकते हो, वन साइडेड लॉस भी। लास्ट में जो मैंने एम ब्राउन को पिक नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि वो बेहतर नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं किया और वन साइडेड हम लोगों ने विन कर गया। तो यही नतीजा एक दो प्लेयर पर रिस्क लेंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है, क्या कॉम्बिनेशन है वो समझेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे मुकाबले को अगर यदि आप खेलना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी पैसा कमाने विनिंग करने का सारा जरिया जो है टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट जो होता है फर्स्ट ही कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों लास्ट T20 का मुकाबला देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया ए वोमेन्स यहाँ पर पहले बल्लेबाजी के सी कनोक यहाँ पर ओपन आ गए थे, एम डार्क को भी ओपनिंग करने का मौका मिला, दोनों ने ठीक ठाक शुरुआत दिया। इनका सही नतीजा हेदर ग्राहम ने दिया 43 का योगदान देकर, 3 छक्के 2 चौके हेदर ग्राहम ने। लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं की इस मुकाबले में, लेकिन अक्सर ये गेंदबाजी करते, क्या इस मुकाबले में गेंदबाजी करेगी या फिर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं होगा इसके ऊपर भी समझेंगे। ग्रेस हैरिस आक्रामक बल्लेबाज तो है, साथ में ये गेंदबाजी कर रही है और गेंदबाजी ये करना चाहिए। सी वेब ओपन आना चाहिए या फिर वन डाउन आना चाहिए, सी वेब का मेन पॉइंट यह वन डाउन, लेकिन यहाँ पर इन्हें नीचे भेजा गया क्योंकि यह इंटरनेशनल नहीं है, ये अभ्यास मैच के रूप में खेला जा रहा है। इन फालतू हमेशा से नीचे बल्लेबाजी के लिए आती, यहाँ पर भी इन्होंने आई। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए एम ब्राउन 11 रन, टी विल्सन 14 रन, टी विल्सन का भी ये इतना नीचे तो नहीं है, बाकी सारा कुछ हम लोग कॉम्बिनेशन वर्क समझ जाएंगे। एफ डेविस यहाँ पर डेथ ओवर में गेंदबाजी करती है और पावर प्ले में, तो इंपॉर्टेंट तो रहेगी, लेकिन बड़ी बात है प्लेइंग 11 के क्या हिस्सा रहेगी। एम गौर 2 ओवर डाली, GL के लिए बेस्ट है, आई वोंग भी GL के लिए बेस्ट है, वैसे आई वोंग का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया, इंटरनेशनल भी खेल चुकी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल का प्रदर्शन के आधार पर GL के लिए ही बेस्ट। एक FC कैप्टन वास का बेस्ट ऑप्शन रहती, लेकिन कितना ओवर करेगा कहना मुश्किल है, इनसे पहले वाले मुकाबले में 2 ओवर डाला, इसमें इन्होंने 1 ओवर डाला, हो सकता है इसमें 4 ओवर भी डाल जाए, हो सके या एक भी ओवर ना डाले। इस गेलन की बात क्या स्पिनर है, बढ़िया स्पिनर है, 4 ओवर 37 रन देकर 1 विकेट है और इंपॉर्टेंट रहेगी। सी डेन भी यहाँ पर अच्छी स्पिन गेंदबाजी करती है, अक्सर देखा जाए एक बढ़िया स्पिनर जो है जो गेंदबाज होना चाहिए पार्ट टाइम नहीं, तो उनका लगभग ओवर कराया जाता है, कम से कम 3 ओवर तो मानकर चलो। डी गिब्सन की बात किया, ड्रीम इलेवन का ये हिस्सा भी नहीं था, डायरेक्ट ये गेंदबाजी पे आया और बल्लेबाजी पे भी आया और प्रदर्शन कर दिखाया। इंग्लैंड ए वोमेन्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो नजर आते, बी स्मिथ का सिलेक्शन बहुत कम था, हमने इनके ऊपर ट्राई लिया और इन्होंने निराश नहीं किया, 66 रन की इनिंग खेली, प्लेयर काफ़ी बढ़िया, पार्ट टाइम ये गेंदबाजी भी आपको करके दे सकती है। एम वाउचर सिर्फ बल्लेबाजी से आपको योगदान देगी, ठीक ठाक इनका रिकॉर्ड है, एवरेज देखोगे 25-30 ये हमेशा लगाती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। एक FC काफ़ी बढ़िया है, अभी IPL वोमेन्स का जो चला वहाँ पर भी इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, गेंदबाजी भी अच्छा खासा कर रही थी, गेंदबाजी कर दी 4 ओवर, तो ये कैप्टन वास का सबसे प्रबल दावेदार होना चाहिए। एलविन फील्ड की बात है, खास फॉर्म इनका नहीं चल रहा, लेकिन नाम बहुत बड़ा है, विकेट कीपिंग सिस्टम इनसे बेहतर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनसे बेहतर कोई फ्लो भी नहीं लग रहा है। इनके अलावा 20 हेरात की बात क्या, बढ़िया ये विकेट कीपर है, अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड है, थोड़ा नीचे आती है, लेकिन आपको विकेट कीपिंग का भी पॉइंट देगी। एडी रिचार्ड्स की बात किया, ये गेंदबाजी ये भी पार्ट टाइम कर लेती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। डी गिब्सन यहाँ पर बल्लेबाजी से योगदान दिया, लेकिन इनका मेन काम है भैया
गेंदबाजी करना। मैगन स्कॉट सीधे पिलिंग इलेवन पे आया सेकेंड इनिंग पे, जैसे इम्पैक्ट के रूप में आता है, और चार ओवर डाल गई, हालांकि कोई खास सफलता तो मिला नहीं। सी कैनॉट की बात की जाए तो यहाँ पर दो ओवर डाली, साथ में ओपन इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्रेस हैरिस 3 ओवर 35 रन, महंगा तो साबित हुई लेकिन बड़ा बल्लेबाज है, बड़ा में नाम इनका वेनु सुमार है, तो कैप्टन वास के लिए होना चाहिए, ट्राई तो आपको करना होगा। वेलिंगटन की बात की, अच्छी लय में दिखाई दे रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी मिलने पर बल्लेबाजी इनको भी आता है, लेकिन बल्लेबाजी के चांस काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी लगातार बेहतर कर रहा था, इंपॉर्टेंट है। सिंपली यहाँ पर जीएल के लिए बेहतर रहेगा। के पीटरसन ने भी अच्छा गेंदबाजी किया, ये भी जीएल का ट्रंप कार्ड होना चाहिए, पहले गेंदबाजी करेगा तो और भी बेहतर। इनके अलावा जल्दी से फर्स्ट टी20 का भी स्कोर कार्ड देख लेते। इंग्लैंड ए वुमन ने 200+ स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया, एम बाउचर के यहाँ पर 74 और इनके अलावा बी हेरात एफ कैंप ने यहाँ पर छोटा योगदान दिया। बाकी गेंदबाजी इस प्रकार से रही, टी वेलमिक की बात किया, फास्ट गेंदबाजी करते 1 विकेटें, वेलिंगटन हेदर ग्राहम 2-2 विकेटें ले गई। लक्ष्य का पीछा करने के लिए सी वेब और हेदर ग्राहम ने जरूर अच्छा खासा नोक दिखाया, बाकी कोई काम नहीं आया और इनका टीम भी हार का सामना करना पड़ा। वेब डेविस फिर से 3 विकेटें ले गई, सी डेन और ए रिचर्ड्स को 1-1 विकेट यहाँ पर पार्ट टाइम के रूप में मिला था। तो दोस्तों चलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, क्यों ना उनके ऊपर बात कर लिया जाए। मेरे भाई कॉम्बिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। दोस्तों ये हमारा टीम फाइनल बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला, यहाँ पर 22 नहीं बल्कि ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे। तो देखो जीएल का कौन कौन से प्लेयर बेस्ट होने वाला, जिन जिन को मौका नहीं मिला। अब देखो डी वेट की बात की जाए, ये तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे जो वुमेन्स का चल रहा है वहाँ पर ये खेल रही है तो नहीं खेलेगी। सी कैनॉट यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगी, यहाँ पर जहाँ पर मैं अगर यदि विजन 11 या फिर 11 चैलेंजर विजय भवा इन लोग में से किसी का एप्लीकेशन टीम दिया तो यहाँ से सी कैनॉट का ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, जो कि बेहतर है। सी वेब भी ठीक ठाक है, नीचे क्यों बल्लेबाजी के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर देखो ई जोन्स को यहाँ पर मौका मिल सकता है, ये जो एक बड़ा दाव खेलना चाहते हैं बिना प्लेइंग 11 में ना भी रहे, और इनको अगर यदि आप ट्राई कर रहे हो तो एक वन साइडेड आपको आगे भी ले जा सकता है और वन साइडेड आपको डूबो भी सकता है। जेस जोनासन वहाँ खेल रही है नेशनल टीम, तो आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जी इरास्मस ये आपका काम करके दे सकती है डायरेक्ट, अगर यदि टीम पे आ गए तो आने की संभावना रहेगा, सबको मौका मिल रहा है तो इन्हें भी मिल सकता है। इनके अलावा पी लिचफील्ड की बात करें, ये भी नेशनल टीम की ड्यूटी में है तो ये भी नहीं आ सकते। टी फिलिंग टॉप आ सकती है, इसके ऊपर आप दाव ले सकते हो, बड़ा रिस्क लेने वाला जो भी है। मेगन स्कॉट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 4 ओवर लास्ट में तो इन्होंने डाला हालांकि विकेट लेस गए। टी विलियमिक लास्ट मुकाबला खेला, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इन लोगों को लाइनअप पे देखने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। आई बोंग 2 ओवर डालकर चली गई, क्या ये खेलेगी नहीं खेलेगी कहना मुश्किल है, थोड़ा सा तो यहाँ पर ये मैच रिस्की नज़र आता है। अब देखो यहाँ से कौन कौन सी इंपोर्टेंट, ई ग्रेट ठीक ठाक ऑप्शन है लेकिन ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन एल चाटले की बात किया यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगी, और के गोर्डन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लेइंग 11 का हिस्सा ना भी रहे, अगर यदि जो जिनके पास बजट है बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो के गोर्डन के ऊपर भी जा सकते हो, एक टीम पे आप इन्हें पिक करके वन साइडेड आपको आगे ले जा सकता है, वन साइडेड आपको लॉस भी करवा सकता है, इसके लिए आपको रेडी भी रहना है। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए जो मुझे लगा बेहतर, मैंने एक टीम ऑलरेडी बना के रखा हूँ, कैप्टन बीसी यहाँ पर बहुत सारे अन्य भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा मैंने बनाया। तो आप लोग क्या करो, ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पे सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग जीएल पे फोकस करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।